हरिओम। कल महा महा महाशिवरात्रि है, महादेव की शिवरात्रि। महादेव कौन माने जाते हैं? जो दूसरों के लिए जहर पीते हैं उसी को महादेव बोला जाता है। बाकी सब देव हैं और एक ही महादेव है, भोलेनाथ है, शंकर भंडारी, क्या क्या नाम दिए गए हैं उनको। और हम जो घर में रह रहे हैं, भगवान जी के बच्चे हैं, छोटे छोटे जहर पी के कितना बढ़िया अपना जीवन बिता सकते हैं। हम जहर को उगल देते हैं, शिव जी ने जहर को गले तक रखा है। तो यही हम सीख लें इस शिवरात्रि पर। अगर पहले नहीं सीखा तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, गुरु ने शिष्य को बोला, सब जाकर सो जाओ आग बुझाकर। शिष्य जाकर सोया तो आधी रात को उठकर शिष्य को बोला कि अंगारा चाहिए, मैं चिलम पियूंगा। बरसात जबरदस्त बरस रही थी। शिष्य बाहर गया, एक वैश्या का घर था, वहां गया, जाकर अंगारा मांगा। वैश्या ने कहा, अंगारे की फीस है, एक आंख निकाल कर दो तो अंगारा मिलेगा। शिष्य ने कहा, बेशक ले लो। वैश्य ने सुआ निकाल कर उसकी आंख निकाल दी। शिष्य आंख पर हाथ रखकर खून बहाता हुआ अंगार लेकर आया। गुरु हैरान हो गया, बोला, तुमने तो एक आंख दी पर गुरु को हमेशा के लिए खरीद कर लिया। तुम्हें गुरु का मिल गया राजपा, प्रसन्नता मिल गया, बाद में फिर आंख नहीं डाल दी। मतलब है, गुरु के बंधन पर मर कर मिट्टी होना, कीमती से कीमती वस्तु देना, तेरी खातिर मैं सब कुछ छोड़ूंगा। निराकार से यदि आंख निकल जाए तो क्या करें? ना ही निराकार कुछ कर सकेगा, पर साकार के लिए जो भी कुर्बानी करेंगे उसके बदले 10 गुना वहां का वहां मिल जाता है। पर साकार के लिए कुछ भी करेंगे तो कर्तव्य कर्ता भाव आ जाएगा। निराकार से तो पहुँच नहीं सकेंगे तो चुप हो जाएंगे। एक गुरु के पास एक शिष्य आया, बोला, बेटी की शादी करनी है, कुछ पैसे दे दो गुरु जी। गुरु ने बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बाकी लंगर प्रसाद जो भी आता है उससे जो भी पैसे मिले वह तुम ले लेना। 3 दिन रहा पर एक पाई भी नहीं मिली। आखिर गुरु से विदा होकर जाने लगा ना उम्मीद होकर। गुरु ने कहा, दूसरा तो कुछ भी नहीं, मेरी जूती ले जाओ पुरानी। शिष्य जूती लेकर गया, दिल में कहने लगा, इससे क्या होगा। रास्ते में एक पक्का शिष्य आ रहा था, बोला, क्या ले जा रहे हो? बोला, गुरु से और कुछ तो नहीं मिला, केवल पुरानी जूती मिली, मुझे बेटी की शादी करनी है। पक्के शिष्य ने कहा, ये मुझे दे दो, तुम मेरे सब माल पदार्थ धन चीज़ें ले लो, एक मुझे जूती दे दो। जूती लेकर गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा, जूती के बदले क्या दिया? माल, सोना, हीरे सब दे दिए। तुमने तो मेरी जूती की वैल्यू नहीं की, मेरी जूती तुमने धन से खरीद की, तुमने अभी भी पूरी फीस नहीं दी। सबको बोला, मेरे और इसके मरने के बाद इसकी कब्र मेरे पास नहीं बनवाना, ये यदि ये सर देता है तभी मैं समझता हूँ किसने मेरी जूती की कदर की। क्या है देखा, और हम कहाँ खड़े होते हैं, हम कहाँ उतरते हैं? क्या होता है गुरु, क्या होता है? सर देते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए बोलते सत्संग कभी मत छोड़ो जब तक शमशान में नहीं पहुँचते हैं। आंखें खोलने वाला गुरु को बिक सकता है कहीं? एक सच्चा गुरु ही ये सब कर सकता है। ये मोहब्बत की बातें हैं वो दो, जहाँ सर दे के होते हैं सो दे। कितना प्यारा गुरु ने जवाब दिया। पर हम सोचेंगे ले गए हैं हम कोई बैग भर भर के पैसों के और सोने चांदियाँ और ये, और सोचते हैं बस हो जाए, वो भव सागर पार करा दे गुरु अभी। ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल, ओ गॉड। गुरु तो परीक्षा भी नहीं लेता अभी शुरू, हम नर्सरी के बच्चे होते हैं, कहाँ परीक्षाएँ लेते हैं वो। हम काबिल बने तो परीक्षा लेना। चलो, भगवान करे शिवरात्रि को हम सारे और आगे बढ़े, हमारा विवेक और जगे, जो हम अभी भी चुने हुए बच्चे हैं और समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं।
कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, किसने मेरे साथ जाना है। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद, हरिओम।